देखिए, ये निर्णय जो आया है ये अधूरा निर्णय है। पहला, जो 6 महीने की अवधि दी गई है उस पर विश्वास किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर नौकरी हर भर्ती में उत्तर प्रदेश के नौजवान और युवा को ये सरकार लगातार ठगने का काम करती चली आ रही है। और इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका मूल मंत्र जो है, मूल जो सोच है, उसमें से एक है कि अगर न्याय मिलने में देर है तो वो भी अन्याय की कैटेगरी में आता है। तो अगर सरकार ये मान रही है कि पेपर लीक हुआ है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करे कि जो छात्र हैं उनको इसी प्रवेश पत्र के माध्यम से अधिकतम 15 दिन में, या कह लीजिए कि लोकसभा की अधिसूचना लगने से पहले ये पेपर दोबारा करा दिया जाए। दूसरा, इस प्रदेश की सरकार में बैठे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सिरे से नकार रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को संदिग्ध करता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से को भी चुनौती देती हूँ कि ये तो आपके साथ पे बट्टा है। अगर आपकी सरकार में बैठा हुआ कोई उप मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है तो सर्वप्रथम आप ये सुनिश्चित करें कि इसकी किसी भी प्रकार से एक गंभीर जांच हो और जिसकी भी संलिप्तता हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, ये निर्णय जो आया है ये अधूरा निर्णय है। पहला, जो 6 महीने की अवधि दी गई है उस पर विश्वास किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर नौकरी हर भर्ती में उत्तर प्रदेश के नौजवान और युवा को ये सरकार लगातार ठगने का काम करती चली आ रही है। और इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका मूल मंत्र जो है, मूल जो सोच है, उसमें से एक है कि अगर न्याय मिलने में देर है तो वो भी अन्याय की कैटेगरी में आता है। तो अगर सरकार ये मान रही है कि पेपर लीक हुआ है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करे कि जो छात्र हैं उनको इसी प्रवेश पत्र के माध्यम से अधिकतम 15 दिन में, या कह लीजिए कि लोकसभा की अधिसूचना लगने से पहले ये पेपर दोबारा करा दिया जाए। दूसरा, इस प्रदेश की सरकार में बैठे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सिरे से नकार रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को संदिग्ध करता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से को भी चुनौती देती हूँ कि ये तो आपके साथ पे बट्टा है। अगर आपकी सरकार में बैठा हुआ कोई उप मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है तो सर्वप्रथम आप ये सुनिश्चित करें कि इसकी किसी भी प्रकार से एक गंभीर जांच हो और जिसकी भी संलिप्तता हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।